हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू मी। तो मैं हूँ जोया। अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, सब कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे हैं, और जो अच्छे नहीं हैं, परेशानियों में हैं, उनसे मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी, उनकी परेशानी भी बहुत जल्दी हल हो जाए और मेरे ऊपर वाले सबके घर में बरकत दे। तो आज मैं कुछ अलग बनाने वाली हूँ। ये अलविया का ड्रिंकिंग मिल्क है, तो इसको इससे मैं पहले मैं एक कांच का बोल ले रही हूँ, उसमें मैं यहाँ पर मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप के अकॉर्डिंग मिल्क लिया है दूध। तो दूध में आपको क्या करना है, आपको सैफ्रन ऐड करना है। तो सैफ्रन आपके पास जो भी हो वो वाले ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए, मेरे पास इतने ही से सैफ्रन बचे, तो मैं ये सारा ही ऐड कर दूँगी मेरे इस मिल्क में। तो मिल्क चिल्ड है, आप चाहे तो थोड़ा सा इसको गर्म कर सकते हैं, इसमें जल्दी आपके कलर इन्हेंस हो जाएंगे मिल्क में। तो गाइस, ये जो रेसिपी है, ये मैं आज मुझे कुछ चिकन का ग्रेवी एंड ऑल कुछ भी मुझे ग्रेवी में पकाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ड्राई में ही ऐसा बना दिया जाए जो कि सबको खाने में फ्लेवरफुल भी लगे और लाइक सबको अच्छा भी लगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पनीर कट कर ले रही हूँ। ये मेरे पास पनीर थे, वो भी मैंने हाफ पनीर लिया हुआ है, अमूल के पनीर थे मेरे पास, उसको मैंने क्यूब के साइज़ में कट कर लेना है। तो गाइस जो है ना, ये रेसिपी जो है, आप ये चाहे तो आपके गेस्ट आ रहे तो आप तब भी बना सकते हैं, या चाहे आपको कुछ हटके खाने का दिल कर रहा है अलग, तो आप तब भी बना सकते हैं। इसको सब नवरत्न पुलाव के नाम से भी जान, नॉन वेज में पकने वाले पहली बार शाही पुलाव जो है, या जो भी नवरत्न पुलाव आप जो भी बोलेंगे इसको, ये फर्स्ट टाइम जो है नॉन वेज में बनने वाले हैं। तो आप इसकी रेसिपी ज़रूर चेक करिए। एंड ये जो है, मैं एक बड़ा सा साइज़ का यहाँ पर आलू ले रही हूँ, और उसको मैं पील कर लिया, अच्छे से छील लिए, एंड उसके बाद में इसको भी डाइस क्यूब के साइज़ में मैं कट कर लूँगी। तो एंड गाइस, ये जो है पुलाव है, ये बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स, पनीर, चिकन, पूरा फुल प्रोटीन, विटामिन सब कुछ ऐड होने वाले हैं। और ऑयल आप कम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, आप इसको और ऑलिव ऑयल में भी कुक कर सकते हैं, और पूरा घी में भी कुक कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे घी और रिफाइंड ऑयल दोनों मिला के कर रही हूँ, क्योंकि यार घी काफ़ी एक्सपेंसिव भी आता है। तो साढ़े में एक डब्बा घी अगर एक पुलाव में डाल दूँगी तो फिर हो गए। तो गाइस जो भी है, ये मेरे घर में किसी को भी वेजिटेबल्स नहीं खाना होता है, उनके तो नाक मुँह सब कुछ बन जाते हैं वेजिटेबल्स देख के, बट इस पुलाव को खाने के बाद सबका रिएक्शन मतलब था, सब पूछ रहे कि इसमें क्या डाले क्या डाले, मतलब सबको मुझे समझ में आया कि बहुत अच्छा लगा है ये पुलाव। एंड इसमें मैं अब गाजर पील करूँगी, बाकी मैं आपको सारे वेजिटेबल्स आहिस्ते आहिस्ते कट करके मैं आपको सब दिखा दूँगी। देखिए यहाँ पर मेरे चावल जो है, यहाँ पर मैंने बासमती राइस 3 ग्लास जो है मैंने नाप के अच्छे से भिगो दिया है। 1 आवर के लिए आपको मिनिमम इसको भिगा के रखना है, तो फिर आपके चावल लंबे और खिले खिले पकेंगे, तो एटलीस्ट इसको 1 आवर के लिए भिगा देना है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा फ्रोजन मटर लिया है, जो कि ऑलरेडी हाफ कुक्ड ही रहते हैं तो जल्दी पक जाने हैं, तो आपके पास फ्रेश मटर है तो उसको आप बॉइल कर लें। और यहाँ पे जो मैंने आपको एक मीडियम बड़ा साइज़ का आलू लिया है, बिग साइज़ का, और यहाँ पे मैंने चिकन को एकदम बोनलेस चिकन था उसको ज़रा सा चिकन को मैंने 5-6 मीडियम पीसेस को मैंने यहाँ पे क्या किया, चॉप कर लिया। चॉप करके मैं इसमें मैगी के मसाले ऐड कर लिए, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, और थोड़ा सा 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैरिनेट करके मैंने अच्छे से इसको रख दिया है। एंड थोड़ा सा ज़रा सा पिंच ऑफ आपको उसमें गर्म मसाला ऐड कर लेना है, ताकि चिकन का कोई रॉ स्मेल आपको नहीं लगे। फिर इस चिकन को भी आपको बहुत अच्छे से 5-7 मिनट्स के लिए ढक के फ्राई कर लेने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, मैंने यहाँ पे काजू और एलिमेंट्स को जो है उसको भी ले लिए है। इसको मैं टुकड़े टुकड़ों में कट कर लूँगी, क्योंकि गोटा गोटा मुँह में लगेगा वरना छोटे टुकड़ों में। और ये जो मेरा सैफ्रन और मिल्क भिगा के रखे थे ऑलरेडी कलर इसमें। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे खड़े गर्म मसाले भी ले लेने हैं। मैंने यहाँ पे 3 से 4 बे लीफ यानी कि तेज पत्ता ले लिया है, 3 से 4 गोटा बड़े दालचीनी ले लिए हैं, 5 के लगभग इलायची, और यहाँ पे 3 लौंग और 1 स्टार एनिस 1/2 मैंने ले लिया है। और ये पर से मैंने यहाँ पे घी भी लिया है, और मैं रिफाइंड ऑयल भी यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने पनीर भी ले लिया था कट करके, वो भी दिखा रही हूँ। और जो है अब हम मीडियम साइज़ का एक हांडी ले लेंगे, आपके पास डेक्ची जो भी होगा आप उसको ले लीजिए, स्टील या एल्युमिनियम या नॉनस्टिक पैन जो भी होगा। और एक दूसरे ही साइड में मैं यहाँ पे मेरा पैन बिठा दी हूँ, एक नॉनस्टिक पैन, उसमें मैं रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच घी ऐड करूँगी, और जो स्टील वाला है इसमें चावल उबलेंगे, तो इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल
थोड़ा सा ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें एक चम्मच के अकॉर्डिंग घी ले लिया है, और इसमें मैं सारे जो मेरे खड़े गरम मसाले थे उसको मैं यहाँ पे अच्छे से थोड़ा देर के लिए भून लूँगी, कुछ सेकंड के लिए, जैसे ही आपको स्मेल समझ में आए। उसके साथ मैं यहाँ पे एक चम्मच बड़ा चम्मच का ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ, तो जैसे ही आपको स्मेल आए तो आप क्या करना, तुरंत उसमें आपको अपना अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ राइस भी डाल देने हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ किया है, तो जिनको वेज चाहिए वो चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट एंड ऑनियन, इन चार चीज़ों को वो स्किप कर सकते हैं आराम से। तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए अदरक लहसुन यानी खड़े खड़े गरम मसाले जो है इसको भून लूँगी। ये ट्रस्ट मी, इस ऑलरेडी इतना अच्छा सा खुशबू आ रहा है, और इसके साथ जो मेरे बासमती राइस है ये चले जाएंगे अब। और मुझे क्या करना है, अब बस कुछ नहीं करना है, इसको जो गमले में जो पानी मैंने, जिस भी बोल में आप चावल लो उसके डबल आपको पानी ऐड करना है चावल के साथ। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे मेरा 3 ग्लास चावल है तो फिर 6 ग्लास पानी मुझे चाहिए ही चाहिए, बट मैं यहाँ पे सबसे पहले 5 ग्लास पानी ही ऐड करूँगी, 1 ग्लास में बाद में अगर ज़रूरत हुआ तब ऐड करूँगी। तो इसके बाद आपको थोड़ा देर को ऐसे ही सूखा में इसको चला लेना है, उसके बाद हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे, एंड उसके बाद में इसमें नमक और चीनी एक चम्मच नमक बड़ा चम्मच का भर के ऐड करूँगी, और साथ में मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे दूसरे वाले पैन में मेरा तेल गरम हो गया, इसमें मैं मेरे कटे हुए आलू जो है उसको मुझे हल्का सा फ्राई कर लेना है, याद रख के बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई होना है। इसमें नमक ऐड कर करके अपने सारे वेजेस को आप फ्राई करिएगा तो वो बहुत जल्दी बन जाएंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम कम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप एक पिंच सोडा भी ऐड कर सकते हैं, उससे और भी जल्दी आपके पक जाएंगे। एंड इन सारे वेजिटेबल्स को जो है इसको ना आप लीड से ढाक के फिर ही आप इसको पकाइए, तो ये फिर और जल्दी पक जाएंगे। उसके बाद आपको याद रखना है कि सारे वेजिटेबल्स, आलू ही पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बस इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया चावल में, अब मैं इसको ढाक दूँगी। एंड दूसरे साइड में मुझे सारे चीज़, मटर, मेरे गाजर, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, चिकन, सब एक एक करके मुझे बारी बारी पनीर सब कुछ मुझे यहाँ पे तेल में फ्राई कर लेना है। तो सबसे ज़्यादा टाइम दोस्त ये आलू ही लेता है, तो ये आलू अभी ऑलमोस्ट मेरे पक गए हैं, तो मैं इसको उठा के रख दूँगी साइड में। उसके बाद में बाकी के वेजेस और बाकी के साथ चावल को जो है मैंने सारे मसाले के साथ ही उबल लिया, उससे क्या होगा आपके चावल फीके नहीं लगेंगे, आपके राइस के अंदर ही सारे फ्लेवर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मेरे चावल अच्छे से पक गए हैं, ये बहुत ज़्यादा कुक 90% कुक्ड है, तो मैं इसको दूसरे वाले बोल पे निकाल ली हूँ, उससे क्या होगा ये गल नहीं जाएंगे। एंड ये जो है मेरे अभी मटर और फ्रेंच बीन्स एंड गाजर, ये एक साथ मैं इसको फ्राई कर ले रही हूँ। एंड यहाँ पे जो है अब मैं इसके बाद पनीर फ्राई कर लूँगी, पनीर को बहुत ज़्यादा मत कुक करिए, उससे ये रबर जैसा टेस्ट आ। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा डेगची या हांडी ले लिया है, जो भी आप बोलेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरे सारे चावल है, जो पहले हाफ चावल जो मैं उसको डाल दूँगी, हाफ जो पके हुए राइस है, उसके बाद मैं इसमें सारे जो मेरे फ्राई किए हुए चीज़ है, वेजिटेबल्स, नट्स, तो ये पहले मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। आप चाहे तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो मैंने ऐड नहीं किया। एंड ये इसके बाद मैंने चिकन को भी ऐड कर दिया है, एंड उसके बाद मैं जो है अपने सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर रही हूँ। देन मैं इसमें जो फ्राई किए हुए आलू है, पनीर है, उसको ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें आलू भी ऐड कर लूँगी। उसके बाद जो है आपको बाकी के जो हाफ कुक्ड राइस है उसको इसमें ऐड कर लेना है, तो फिर इसको आपको मिलाने में आराम होगा। ये देखिए अब मेरा बाकी का जो चावल था उसको मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ धीरे धीरे, तो अब जो है इसमें सारे चीज़ों को मैं हल्के हाथों से मिला लूँगी। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है वरना आपके चावल टूट जाएंगे, थोड़े बहुत तो टूटेंगे यार चलाने से, तो इसमें पता भी नहीं चलेगा कितना टूट रहा है। नहीं खैर जो भी है सबको अच्छे से मिला लूँगी मैं। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे अलग से ना 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज है उसको फ्राई कर लिया था, उसको भी हल्का ब्राउन करके मैंने रख दिया था, तो वो भी बहुत ज़रूरी पार्ट है, तो उसको आपको अच्छे से उसको लास्ट में ऐड करना है आपको।
क्योंकि वो ऑनलाइन में पहले बताना भूल गई थी, इसीलिए अभी बता रही हूँ। तो जो छोटे साइज़ की प्याज है उसको आपको स्लाइस करके उसको भी हल्का लाल कर लेना है। अब ये बहुत अच्छे से मिल चुके हैं मेरे चावल। मेरी अम्मी भी चेक कर रही कि हाँ चावल पके हैं कि नहीं, तो अम्मी बोली थोड़ा सा कड़ा है, बट जो कड़ा है वो अब दम में डालेंगे इसको, जब दम प्रोसेस करेंगे तो उसमें जो है बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो ज़्यादा पकाने से सब चावल गीले गीले हो जाएंगे, तब खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये मैं सारे जितने बचे हुए थे सब मैं ऐड कर दे रही हूँ उसमें। तो जो दो इम्पॉर्टेंट नोट्स वो ये है कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच यूज़ किए हैं, एंड दूसरी बात ये है कि ये बासमती चावल आपको बहुत ज़्यादा देर तक कुक करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ये उबाल रहे थे हमको मिनिमम 10 मिनट्स लगा था, वो भी हाई फ्लेम में कुक किए। तो बीच बीच में आप चावल को चेक कर लीजिए, और इस चावल को जब आप पका रहे थे, खाली प्लेन चावल को जब आप उबालना था, तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से 3 ड्रॉप नींबू का रस डाल सकते हैं। इसमें जो है आपके चावल खिले खिले रहेंगे, वो बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। तो ये टिप्स भी आप बहुत अच्छे से नोट करके रख सकते हैं, इसे भी आप पकाते वक्त ध्यान में रख के जब आप चावल को दम में डालेंगे तो आपका जो फ्लेम होगा वो एकदम लो होना चाहिए, ताकि चावल जो है नीचे से लग नहीं जाए। अब इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी, एंड ये जो सारे बॉल में मेरे ऑयल के बचे हुए सब वेजिटेबल्स एंड फ्राई किए हुए उसको भी मैं डाल दे रही हूँ, अच्छे से मिला दे रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ऊपर से 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी हो कोई भी घी हो। इससे आप मैं बता सकती हूँ कि आपका पुलाव जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, एकदम शाही। तो पुलाव घी आप ज़रूर इस्तेमाल करें इस पुलाव के बनाने के लिए। ये जो है ये लास्ट स्टेप है, इसमें जो मेरा दूध और केसर भिगाए हुए रखे थे मैंने, उसको मैं ऐड कर दूँगी। दम देने का जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा, जितने भी वेजिटेबल्स ऑनियन केसर इस सारे चीज़ का जो फ्लेवर जो स्मोकी एक इफेक्ट आता है वो चावल के अंदर बहुत अच्छे से आपके अंदर में वो आ जाएंगे टेस्ट। एंड उसके बाद क्या करना है, अभी हमको चम्मच से जो है अभी जो चम्मच से इसको अच्छे से गैप कर लेना है, सिर्फ बीच में से नहीं, चारों ओर से आपको गैप कर लेना है, 5-6 जितना आप चाहे होल्ड कर सकते हो। उसके बाद ही आटे में पानी ऊपर से थोड़ा सा छिड़क दूंगी। उसके बाद क्या करना है, आपके पास कोई भी फ्रेश कॉटन का कपड़ा रहे मोटा सा, उसको आप 3-4 फोल्ड्स करने के बाद उसको आप हांडी के ऊपर अच्छे से रख ले। उसके बाद आप उसको लीड से ढक के फिर सारे कपड़े को जो है साइड से वो ऊपर उठा के रखे, वरना कपड़े जल सकते हैं। बस यही लास्ट प्रोसेस है, इसको हम 10 मिनट तक दम में रखेंगे, उसके बाद हम स्मोक अंदर जैसे ही आएंगे हम निकाल लेंगे। एंड ये हमारा अब इस पुलाव में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, जो कि है जादू टोना। इस जादू टोने को करने के लिए, जिसके वजह से आपके पुलाव बहुत ही दमदार बनेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक बड़ा सा मोटा सा मैंने दालचीनी ले लिया है, जिसको हम बोल सकते हैं सिनेमन। सिनेमन स्टिक को क्या करना है, आपको 10 सेकेंड के लिए आपको उसको जला लेना है हाई फ्लेम में। उसके बाद इसको प्लेस कर लेना है आपके पुलाव वाले हांडी में। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के हमें बिल्कुल वापस से वैसे ही इसको ढाक के छोड़ देना है। एंड इसके बाद आपके दमदार पुलाव जो है वो बन जाएंगे। यहाँ पे मेरे स्मोक आ चुके थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिला ले, उसके बाद जो है आप इसको सर्व करें। एंड कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं इसको बना करके। इसको जो है आप कोई भी ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छे से खा सकते हैं, जैसे बटर चिकन ग्रेवी हो गया, पुलाव हो गया, बटर पुलाव हो गया, कुछ भी ग्रेवी। और यहाँ पे जो है मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट करने के लिए बोला, बट उनका रिएक्शन कुछ अलग ही था, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने उनसे पूछा कैसा लगा है, तो उन्होंने पहले खाया, फिर मुंह बनाया, उसके बाद सर हिला के बोला ना, उसके बाद उन्होंने हंस दिया। तो भाई इतना तो पता है कि हंसा तो फंसा, तो बाकी आप खुद खा के बताइए और आपके हस्बैंड के रिएक्शन कैसे, ये भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर।